तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि शरीयत को थाम कर रखो, शरीयत पर साबित कदम रहो, लिज्जतों को ख़त्म करो। अगर लिज्जतों को ख़त्म नहीं करोगे तो फिर हमारे लिए तबाही तबाही है। लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, लोग कहते हैं कि बेशर्मी वाले मामलात आम हो चुके हैं, हम महफूज नहीं रहते, ज़ुबानें हमारी गंदी हो चुकी है, झूठ की आदत हमसे नहीं छूटती है, ये है वो है, दीगर बीमारियाँ दीगर मसाइल जिक्र करते हैं। मुझे बताएं वो आई क्यों है? हमारी कोताही की वजह से आई है ना। हमने दीन को छोड़ दिया, इस्लाम को छोड़ दिया। दीन और इस्लाम को जब छोड़ देते हैं तो फिर ये मुसीबतें हमारे पास आती हैं। ये मुसीबतें हमें किताबों में क्यों नहीं मिलती? सहाबा कराम के वाक़यात पढ़ते हैं, बुजुर्गान दीन के वाक़यात पढ़ते हैं, हमने कभी ये देखा नहीं कि ये मुसीबतें आई हों उनके साथ। इनके दौर में अमन क्यों था? हमारे दौर में इतनी सारी मुसीबतें क्यों आई? उनके दौर में अमन इसलिए था कि इन्होंने इस्लाम को थाम कर रखा था, इस्लाम पर ही चलते थे, सारा कुछ इस्लाम को ही इन्होंने दारोमदार बनाया था। तो ही तो अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें मुसीबतों से अमन रखा था। और आज हमने इसके बरअक्स अमल किया है, इस्लाम को छोड़कर कुफारों के तहजीबों को अपना लिया है, इसीलिए हमारे लिए सारे मामलात